हरे कृष्णा, जय काल भैरव, जय महाकाली। पांच टॉपिक हैं, रात के वक्त कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। ओके, ये हमारा टॉपिक एंड वी गॉट थ्री ऑब्जेक्ट्स ओवर हियर, स्टारलाइट, लव मैसेजेस एंड टैरो। अगर लगा तो हम एक और ऑब्जेक्ट लेंगे, लेकिन सबसे पहले देखते हैं टैरो से हमें क्या रीडिंग मिलती है। ठीक है, चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग एंड हियर वी गो। सात कार्ड चुनने हमें, 1, 2, 3, 4, 5, चलो 2 कार्ड 6 और 7। ओके, तो ये आ गए हैं 7 कार्ड और उसमें से जो मीनिंग निकलता है वो हम यहाँ पे वेरीफाई करेंगे। ठीक है, सो जो पहला कार्ड हमें दिख रहा है यहाँ पे वो है द हैंग्ड मैन, नंबर 12 का कार्ड। ठीक है, भाई हैंग्ड मैन का मतलब क्या है? कहीं ना कहीं पर्सन जो है वो ना आगे बढ़ रहा है, ना ही उसे कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि उसे माफ़ी मांगनी चाहिए। ओके, अब जाहिर सी बात है ये हर किसी के साथ मैच नहीं होगा, बिकॉज सिचुएशंस कई बार स्पेसिफिक होती हैं। अगर हम लूज सिचुएशन के बारे में बात करें, मतलब कहीं ना कहीं पे थोड़ा बहुत तो मैच होता है, राइट? लेकिन यहाँ पे हमने जो स्पेसिफिक बातें कही है, कहीं ना कहीं उसको नहीं लग रहा है कि आई शुड गो बैक, आई शुड गो अहेड। ओके, सेकेंडली ये पर्सन जो है जो पल है उसको इन्जॉय करना चाहता है। ओके, अगर आज दिन भर या फिर कल भी अगर कहीं ना कहीं पे आपके बीच कम्युनिकेशन हुआ था, बहुत अच्छा हुआ था, देयर कुड बी एक्सचेंज हग्स एंड किसेस, तो वो उस मोमेंट को बार बार याद कर रहा है। थर्ड जो बात यहाँ पे निकलती है कि कहीं ना कहीं ये फ्यूचर को लेके परसिस्टेंट है। इसने कहा है कि ये शायद नहीं बदलेगा, जो भी इसके प्लान है वो उसी के अनुसार जाएगा, लेकिन फिर अब हैंगमैन क्यों आ गए? हैंगमैन इसलिए आ गया क्योंकि अभी उसे वो मोमेंट नहीं कैच करना। ओके, जैसे कि मान लो इसने एग्ज़ाम दे दी है और 3 महीने बाद रिजल्ट है, उसने पहले ही कहा है कि जैसे रिजल्ट आएगा तो मैं पढ़ने के लिए कहीं और चला जाऊँगा, तो अब आपके पास 3 महीने उससे बात करने के लिए, राइट? तो वैसी चीज़ें यहाँ पे हमें दिख रही है, कहीं ना कहीं ये फ्यूचर में जो करने वाला है उसकी प्रिपरेशन वो ऑलरेडी कर चुका है, लेकिन तब तक ये स्थिर है, ये कुछ और करना नहीं चाहता। सेकेंड जो कार्ड है वो है डेथ, यानी कि भाई स्कॉर्पियो। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि भाई डेस्टिनी के प्लान्स, डिवाइन के प्लान्स इसके लिए थोड़े से अलग हैं और शायद इनके बीच कंट्रोवर्सी या फिर इनके बीच तू-तू में हो सकती है। ओके, यूनिवर्स या फिर जो डेस्टिनी है वो उनके लिए अलग प्लान्स बना रही हैं। अब वो प्लान्स या तो इनके खिलाफ जा रहे हैं या तो कहीं ना कहीं ये उस प्लान में शामिल नहीं होना चाहते। हमें लगता है कुछ लोग रिबेलियस होते हैं, किसी की नहीं सुनते, उसमें से ही एक नज़र आ रहे हैं मुझे। सेकेंड जो कार्ड है, थर्ड कार्ड, वो है क्वीन ऑफ सॉर्ट्स, जेमिनी एक्वेरियस। ये पर्सन रिबेलियस पे उतर रहा है। अगर हम बात करें तो शायद अपने फैमिली के साथ भी रिबेलियस कर रहा है, कहीं ना कहीं तो तुम्हें हो रही है, या फिर आपसे भी कहीं ना कहीं बातें नहीं कर रहा है ठीक से। अगर आप उससे जवाब पूछोगे तो जवाब नहीं मिलेगा, एंड द रीज़न बीइंग दैट कि ये अपने आप को वैसे बदलना चाहता है जब जी करे, ना कि परिस्थिति उसे बदले। तो वो चीज़ें हमें यहाँ पर दिख रही हैं। नहीं, जो कार्ड हुआ एस ऑफ सॉर्ट, जेमिनी एक्वेरियस, बिल्कुल जैसे मैंने कहा, एस ऑफ सॉर्ट का मतलब है कि कम्युनिकेशन होगा, लेकिन मेरे हिसाब से होगा, कोई और मुझे कम्युनिकेशन करने के लिए फोर्स नहीं कर सकता। लेकिन ये जो कार्ड आ गया, अगर हम कहें ये डेस्टिनी की तरफ से कार्ड आ गया है, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं पर डेस्टिनी खुद इसको कम्युनिकेशन करने पर मजबूर करने वाली है। तो अगर आपका पर्सन आपसे दूर चला गया है, खुद ही वो कम्युनिकेशन करने लगेगा आपके साथ, ये कहीं ना कहीं लग रहा है यहाँ पे। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, वे आउट करने के लिए ये पर्सन कोशिश करेगा और मेरे हिसाब से आप उसके लिए एक बहुत ही अच्छा विकल्प होगे, ठीक है? एंड बिकॉज ऑफ दैट ये पर्सन आपसे बात करेगा। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, प्रैक्टिकल थिंकिंग आती है यहाँ पे, लेकिन अब कैसे हम यहाँ पे कोई वे आउट अगर हम यहाँ पे ढूंढ रहे हैं, जिसके मान लो आप जिंदगी जी रहे हो, तो अब कुछ तो फैसला लेना है, तो जो ऐसा कोई फैसला लेता हूँ जो मेरे लिए बहुत ही अच्छा हो या बहुत ही ईजी हो, तो उसमें आप एज अ चॉइस शायद इस पर्सन के सामने आते हो, ठीक है? टू ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस और कैप्रिकॉर्न, जैसे ही वो आगे बढ़ता है शायद आप दोनों के बीच केमिस्ट्री बन सकती है, या फिर आप दोनों का जो फ्यूचर है, आप दोनों का जो पास्ट है, वो कनेक्ट हो सकता है, ठीक है? ये आप पर्सनली आपकी एनर्जी महसूस कर सकता है। एंड देन द पर्सन कुड से दैट यस आई वांट टू कनेक्ट विथ यू, मतलब पहले जो यूनिवर्स ने खेल खेला था अब ये पर्सन खुद ऐसा कर सकता है। बट व्हाट डू वी सी ओवर हियर, 8 ऑफ कप्स, यानी कि एट द एंड इसकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो मुझे मेरे हिसाब से इससे दूर जाती हुई नज़र आती है, ठीक है? आई डोंट नो व्हाई, लेकिन मुझे ये लगा ऐसे कि जो इसकी नेगेटिव अंडरस्टैंडिंग थी, आपके हिसाब से नेगेटिव माइंडसेट था, वो चला जा रहा है, वो उसके साथ ठहर नहीं सकता, लेकिन उसके लिए ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है? तो अगर स्टेप बाय स्टेप ये चीज़ें हुई, बहुत जल्द हुई, बहुत स्लो हुई, तो उसके ऊपर सारी दारोमदार है।
अब लेते हैं स्टार लाइट में हमें क्या रीडिंग मिलता है। ऑलमोस्ट 5 मिनट हो चुके हैं, ठीक है चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। हम करते हैं 3 बार शफल, यस 1 2 3 4 5, ठीक है तो 5 कार्ड आ चुके हैं, देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलता है। पहला जो कार्ड है वो है डिस्कवर का कार्ड। स्पॉट न्यू अपॉर्चुनिटीज, मतलब कुछ नई जगह बनाओ, नई दुनिया बनाओ, नए लोगों के साथ कम्युनिकेशन स्टार्ट करो, ये है। इसका जो बिजनेस है उसमें कोई एडिशन हो सकता है, ओके सडनली कुछ नई चीज़ें वो मंगा सकता है या फिर कहीं दूर जाने का प्लान भी ये कर सकता है। सेकेंड कार्ड है वो द डार्क, एंड कभी टेक अ मोमेंट टू सिट अंडर द स्टार स्पेकल्ड स्काई लिसनिंग टू क्रिकेट्स एंड ब्रीदिंग इन द कूल नाइट एयर। डार्क का मतलब है कहीं ना कहीं पे भी जब हम बहुत स्ट्रेस होते हैं ना तो अपनी अंदर की आवाज़ सुनने से अच्छा है कि हम कुछ ऐसा सुने जो हमें शांत करे। अगर कोई अंदर की आवाज़ में कंफ्यूज करे तो हमें उसे नहीं सुनना है, बल्कि शांत करना है मन को कि मुझे आपकी आवाज़ सुननी ही नहीं। मन शांत हो जाएगा तो जो छोटी छोटी आवाज़ है ना हमारे आजूबाजू, तो चाहे आप सिटी में रहते हो, विलेज में रहते हो या फिर बहुत दूर रहते हो, वो छोटी छोटी आवाज़ें, कोई बात कर रहा है, कहीं पे हल्का सा मोबाइल बज रहा है, कहीं से म्यूज़िक आ रहा है, वो आपको शांत कर देगी, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड इसके लिए वो है ब्रीथ, यानी कि इनहेल स्टारडस्ट एक्सहेल मैजिक। इसको फोकस करना है अपने ब्रीदिंग के ऊपर। ब्रीदिंग के लिए ऊपर फोकस क्यों करना है, बिकॉज कई बार जब हमारी ब्रीदिंग सही नहीं होती ना तो एनर्जी सही से ट्रांसफ़र नहीं होती, तो यहाँ पे एनर्जी का चक्र आता है। सेकेंडली ब्रीदिंग अगर ये विश्वास करें कि भाई जो मेरे लिए अच्छा है वो हो जाए, तो वो विश्वास इनको कंटिन्यू करना होगा। रीवैल्यूएट आ गया है, यानी कि भाई कहीं ना कहीं पे जो स्टारलिट स्काई वी स्टिल लुक फॉर द फॉलिंग स्टार्स, यानी कि भाई अपने आप को इस पर्सन को नेगेटिवली नहीं लेना है। हर बार हम जीते ऐसा ज़रूरी नहीं है, और जीतने की परिभाषा बदलने की ज़रूरत है, ठीक है। जैसे कि मान लो आपने कहा कि मुझे जीतना है, लेकिन हर बार तो पॉसिबल नहीं है ना, बिकॉज आप किसी और के साथ लड़ाई लड़ रहे हो। लेकिन जब आप अपनी बात करो तो जीतना का मतलब क्या है, सेटिस्फैक्शन, वो तो मिल सकता है। जो 5th कार्ड यहाँ पे वो है ब्रेक थ्रू। फॉर स्टार टू बी बॉर्न इट मस्ट फर्स्ट कोलैप्स, यानी कि भाई अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, एज अ कपल सक्सेसफुल होना है, तो बहुत सारी चीज़ों से गुजरना पड़ेगा। कई बार बातें होती है, नहीं होती, लड़ाई होती है, कई बार आप नहीं बात करते, कई बार वो नहीं बात करते, तो इसी को हम कहते हैं एज अ कपल, कपल थेरेपी, ठीक है। अब देखते हैं फाइनली लव मैसेजेस हमें क्या मिलते हैं। बस एक ही बार हमने शफल किया, हियर वी गो 1 2 3 4 एंड 5। चलो 5 कार्ड आ चुके हैं, देखते हैं क्या आता है रीडिंग। ओके पहला जो कार्ड है, आई होप यू कुड सी दैट, ये है भाई इन द स्टोरी ऑफ माई लाइफ द बेस्ट चैप्टर्स आर फिल्ड विथ यू। इन्हें इसके ज़िंदगी में जो अच्छे चैप्टर्स हैं, जहाँ पे इसको बहुत अच्छा लगता है, उसमें आप भी आते हो या आप ही आते हो। सेकेंड कार्ड भाई, यू टॉट मी द मीनिंग ऑफ लव एंड शेयरिंग आवर वर्ल्ड इज मोर कम्प्लीट बिकॉज ऑफ इट। जहाँ पे ये ज़्यादा नहीं सोचते, पर जहाँ पे इनकी थिंकिंग टूट जाती है, वहाँ पे आपकी थिंकिंग इनको सपोर्ट करती है। तो मे बी आप दोनों अच्छे सपोर्टर बन सकते हो, अच्छे पार्टनर बन सकते हो बिजनेस में, यू नो एक दूसरे को सपोर्ट भी कर सकते हो, पॉसिबिलिटी है आप दोनों मिलकर कोई जॉइंट बिजनेस शुरू करें। तो जो कार्ड है, बिकॉज ऑफ यू नो मैटर व्हाट यू मे कम टुमारो टुडे माय लाइफ इज मोर कम्प्लीट। आपकी वजह से ये पर्सन अभी बहुत खुश है। टैरो में जो हमने सबसे पहला कार्ड देखा था वो क्या था, द हैंगमैन। ये अभी के लिए बहुत खुश है और अभी का जो स्वाद है वो लेना चाहता है, सो इज नॉट थिंकिंग अबाउट फ्यूचर, बिल्कुल वही कार्ड आ गया है। नेक्स्ट जो कार्ड हमें यहाँ पे मिल रहा है वो है यू कैन रीड माय इनरमोस्ट थॉट्स। इनको लगता है कि मानो आप इनकी विचार प्रणाली को समझते हो कि ये क्या कहने वाला है, क्या नहीं कहने वाला। लेकिन जब कनेक्शन बनता है ना तो अंदर की आवाज़ बहुत कुछ बोलती है आपको, जो एग्जैक्टली इनकी थिंकिंग से मैच होता है। नेक्स्ट जो कार्ड हमें दिख रहा है और आई थिंक ये फाइनल कार्ड वो है, योर लव गिव्स मी द फीलिंग दैट द बेस्ट इज स्टिल अहेड। आपका प्यार इनको और ज़्यादा विश्वास दिलाता है कि यस यू कैन डू इवन बेस्ट। तो चाहे कुछ अच्छा हो रहा हो, नहीं हो रहा हो, लेकिन ये अपना मोरल बूस्ट करते रहता है। रीडिंग आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।